Welcome back, class. This is your last and the concluding sum with respect to binomial multiplied by binomial. ये भी बेटा एक external sum है, लेकिन आपके textbook के base पे, that is जो हमने अभी तक किया है, जो पहले चार, वही का वही word to word आएगा. अब ध्यान से देखना, because this is the last sum. इसके आगे से जो वीडियोस होंगे दैट ऑल विल बी बेस्ड ऑन इक्वेशन. चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, सो डोंट रिलैक्स के आज खत्म ना, बहुत कुछ बाकी है. अभी सिर्फ इतना देखना है आपको, हाउ टू प्रोग्रेस अहेड, दैट इज हाउ टू मल्टीप्लाई बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय अनदर बाइनोमियल फॉर द लास्ट टाइम. लास्ट टाइम तो अब आप बोर्ड पे अगर देखोगे तो आप बोलोगे, बोले सर आप बार बार बोल रहे हो बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल, किधर है बाइनोमियल? तो ये ना बेटा बाइनोमियल, ये है बाइनोमियल. बोले सर दूसरा बाइनोमियल किधर है? दूसरा भी इधर ही है. कैसे? ध्यान से देखना, ध्यान से. ये क्या है बेटा? स्क्वायर. ये क्या है? स्क्वायर. आपको याद है इंडाइसिस चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई भी किससे करना है? इटसेल्फ, खुद से करना है. इट मींस आपको इसी बाइनोमियल को वापस मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ? इटसेल्फ, खुद के साथ. तो आप ये क्वेश्चन लिखोगे, एक लाइन लीव करके आप लिखोगे 5a माइनस 3b मल्टीप्लाई बाय अनदर टाइम 5a माइनस 3b ब्रैकेट क्लोज. समझ में आई बात? क्या हो गया ये 5a माइनस 3b स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. तो पहले मैंने बाइनोमियल लिखा, मल्टीप्लाई का साइन डाला, इटसेल्फ वापस से खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया. और अब सम जैसे पहले करते आ रहे थे वही, कोई भी एक बाइनोमियल बेटा अपनी मर्जी से आप तोड़ सकते हो. यू कैन ब्रेक इनटू टू पार्ट्स व्हिच एवर यू वांट. अब आप देख रहे हो मैं फर्स्ट सम में, थर्ड सम में और अब फिफ्थ सम में हम पहले वाले बाइनोमियल को ब्रेक करेंगे. ठीक है, सो वी स्टार्ट. आप लिखोगे 5a मल्टीप्लाई बाय ओपन ब्रैकेट 5a माइनस 3b ब्रैकेट क्लोज. 5a नीचे आ गया, क्या बच गया हमारे पास? नेगेटिव 3b. सो वी विल कॉपी नेगेटिव 3b मल्टीप्लाई बाय, और नेगेटिव 3b भी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? विद द सेम बाइनोमियल जिसके साथ 5a मल्टीप्लाई हुआ था. तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3b ब्रैकेट क्लोज. करेक्ट, 5a कॉपी किया, मल्टीप्लाई बाय 5a माइनस 3b लिख दिया, देन नेगेटिव 3b को कॉपी किया, वंस अगेन मल्टीप्लाई बाय 5a माइनस 3b. And then solve it. जैसे आप solve करते थे 5a multiplied by 5a minus 3b brought down multiplied by 5a then minus 3b brought down multiplied by 5a माइनस 3b ब्रॉट डाउन मल्टीप्लाई बाय, अब ये माइनस 3b भी मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव 3b के साथ. और आपको मैंने बार बार रिपीट किया है, अगर हमारा मोनोमियल मोनोमियल नेगेटिव है तो आपको उसे ब्रैकेट में रखना ही पड़ेगा. एंड दिस इज द थिंग. बहुत बच्चों को ऐसा लगेगा, बोले सर ये क्या 3ab 3ba? अरे बेटा we can't do anything ना, यही नंबर है तो वैसे ही करना पड़ेगा ना. So now let us start. 5 multiplied by 5 25, a one time,
a second time तो हो जाएगा a square minus sine brought down 3 multiplied by 5 15 a एक बार b एक बार तो हो जाएगा a b minus sine brought down 3b multiplied by 5a so 3 multiplied by 5 15 a एक बार b एक बार तो हो जाएगा a b और अब ध्यान देना पहले भी मैंने आपको यही बताया था यहां पर बेटा एक माइनस साइन है तो हमने इसे ब्रॉट डाउन किया बट यहां पर दो दो माइनस साइन है और जब दो दो माइनस साइन होती है तब रूल बोला जाएगा तो रूल क्या है हमारा व्हेन बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव पुट प्लस साइन एंड देन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और b मल्टीप्लाई बाय b b स्क्वायर करेक्ट अब ab और ab बोथ आर लाइक टर्म्स तो लाइक टर्म्स को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे सो नाउ द लास्ट स्टेप 25 a स्क्वायर ध्यान से देखना बेटा नेगेटिव 15 नेगेटिव 15 व्हेन बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव put minus sign and always add the number 15 plus 15 30 a b likhenge single time ek bar and positive 9 b square brought down clear so by this beta aapke 5 sum based on binomial multiplied by binomial comes to an end ठीक है अब बेटा इसके आगे जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो भी सम्स हैं वो सब इक्वेशन को बेस्ड है सो वी विल बी लुकिंग इनटू अ कंप्लीट न्यू टॉपिक ये इसी चैप्टर का हिस्सा है इक्वेशन बट एक अलग वे सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी टू इट दैट यू कंप्लीट योर वीडियो वॉचिंग अलोंग विद पेइंग अटेंशन ऑन द एक्सप्लेनेशन एंड देन कॉपिंग डाउन द